टीवी एक्ट्रेस हिना परमार ने जब नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से बात की तो उन्होंने अपना एक खास एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। दरअसल हिना परमार को लगता था कि छोटे शहरों से लड़कियों को काम के बहाने बुलाकर पेश दिया जाता है, और ऐसा ही उन्हें भी एक बार महसूस हुआ जब उन्हें पहली बार प्रोड्यूसर ने अपने घर बुलाया। आइए देखते हैं हिना परमार की ये पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। और कब डिसाइड किया था आपने कि आप एक एक्टर बनना चाहती हैं? मैंने कभी डिसाइड नहीं किया था, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगी। मैं एयरपोर्ट पे जॉब करती थी, अहमदाबाद एयरपोर्ट पे, और मेरी पूरी कहानी फिल्मी है। तो वहां पे मुझे एक प्रोड्यूसर ने देखा था और उन्होंने अपना उनका एक शो आ रहा था, उस शो के लिए वो मुझे ऑफर करना चाहते थे, बट वो नहीं बोल पाए, मुझे नहीं बता पाए कि बात नहीं कर पाए क्योंकि मैं अपने काम में बिजी थी। वो आगे वापस और उन्होंने अपनी वाइफ को बताई ये बात, जो कि राइटर है, जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो शशि सुमित है, हमारी टीवी इंडस्ट्री के फेमस प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और राइटर्स। उन्होंने अपनी वाइफ जो राइटर है शशि मैम, उनको बताया कि मैंने एक लड़की को देखा और वो हमारे शो के लिए परफेक्ट है। तो शशि मैम ने उनको वापस भेजा अहमदाबाद, और सर स्पेशली अहमदाबाद वापस आए थे मुझे टीवी शो ऑफर करने के लिए। और मैं वहां पे उनको मिली और फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे था कि मुंबई में जाते हैं तो लड़कियों को बेच देते यही सोच थी मेरी, 18-19 साल की थी मैं, और यही सोचती कि मुंबई में लड़कियों को लेके जाते हैं बेच देते, मुझे नहीं करनी एक्टिंग, मैं खुश हूँ अपनी जॉब से। उन्होंने अपना कार्ड दिया कि एक बार सोच के देखना, मम्मी पापा से बात करना, मुझसे बात करवाना। और फिर हमारी उनसे बात हुई, मेरे पापा की उनसे बात हुई, और फिर उन्होंने मुझे एक ऑडिशन के लिए बुलाया था और हमने ऑडिशन किया। उनको ऑडिशन अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि मुझे एक्टिंग नहीं आती थी, बट उन्होंने कहा कि तुम्हें कैमरा फियर नहीं है, बहुत लोग को एक्टिंग आती बट कैमरा फियर होता है, और तुम्हारा स्क्रीन प्रेजेंस अच्छा है तो हम इस पे वर्क कर सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे मुंबई वापस बुलाया और उन्होंने मुझे 15 डेज, आई थिंक 10 या 15 दिन की कुछ ट्रेनिंग दी थी, जो कि घर पे ही नॉर्मल। वो चाहते थे कि मैं कोई एक्टिंग क्लास ना करूं क्योंकि एक्टिंग क्लास करने से आपका जो रियल क्या बोलते हैं उसका वर्ड मुझे नहीं मिलता, वो चला जाता है, आप एक पैटर्न में घुस जाते हो कि यही करना है यही करना है क्लास में जाके। वो चाहते थे कि वो नहीं करना है, नेचुरल रहना चाहिए। तो उन्होंने, शशि मैम ने और सुमित सर ने और रोहित सर ने मुझे घर पे ही ट्रेनिंग दी थी, और उसके बाद हमने ऑडिशन किया था जो कि बहुत अच्छा हुआ था, और ऐसे करके मुझे वो शो मिला था, और तब से लेके मैं अब तक यही हूँ। और बिकने का डर कब खत्म हुआ? किसका बिकने का डर कब खत्म हुआ था? ये बिकने वाला डर मुझे तब तक था कि जब मैं फर्स्ट टाइम मुंबई में आई थी मेरे पापा के साथ, और मुझे अंदर से डर ही था कि ये कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। जब सर और मैम ने हमें घर पे बुलाया था तो मुझे था कि घर पे क्यों बुला रहे हो मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा है, घर पे क्यों बुला रहे हो, ऑफिस होता है, प्रोडक्शन, मतलब नॉलेज इस इंडस्ट्री की कुछ नहीं थी, बट मुझे था कि एक ऑफिस पे बुलाया जाता है, ऑफिस पे ऑडिशन होता है, घर पे बुला रहे। अच्छा हुआ पापा और मतलब मेरे घर वाले साथ में आए थे, नहीं तो मैं अकेली आती तो क्या होता, वापस चली जाती। जब हम उनके घर पे गए तो सर और मैम हमारे लिए वेट कर रहे थे कि ब्रेकफास्ट के लिए, कि हम इतनी दूर से आ रहे हैं, साथ में घर पे इसलिए बुलाया क्योंकि हम साथ में ब्रेकफास्ट करें और फिर हम आपको फिल्म सिटी लेके जाए। तो जब वो हमें फिल्म सिटी लेके गए और उनका एक शो चल रहा था, तब वो सेट हमने देखा, वहां का माहौल देखा, एक्टर्स को काम करते देखा, तब मुझे वो डर बिकने वाला गया तब मुझे समझ आया कि नहीं, मैंने मुझे कोई बिकने के लिए नहीं बुलाया है।